हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग काउंटिंग फिगर से पार्ट वन करेंगे, जिसमें हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल को निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग स्क्वायर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक फिगर दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में कि इसमें पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, जब भी दोस्तों रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, मतलब m इंटू एम के फॉर्म में हो, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो पहला केस, इसमें दो केस आ जाते हैं, जब रो कॉलम की संख्या समान हो और दूसरी असमान हो। अब ये पहला है असमान वाला केस, तो इसमें फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग रो कॉलम की नंबरिंग कर लेंगे। तो एक दो ये हो गया, फिर एक दो ये नंबरिंग हो गई। अब क्या करेंगे कि जो नंबरिंग आई करी है एक से दो, तो एक का स्क्वायर करेंगे प्लस दो का स्क्वायर करेंगे, मतलब जितने रो कॉलम हैं उन्हीं को हम लोग जोड़ के ऐड करके स्क्वायर कर देंगे। तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस फोर, आंसर हो जाएगा फाइव। इसी प्रकार से हमारा अगला फिगर है, इसमें देखिए दोस्तों रो कॉलम की संख्या बराबर है। सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग पंक्ति की नंबरिंग कर लेते हैं। तो एक दो तीन ये नंबरिंग हो गई। अब कॉलम मतलब स्तंभ की हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो एक दो तीन, तो रो कॉलम की संख्या समान है, तो इसके लिए हम लोग जितने भी रो या कॉलम है उनको हम लोग ऐड करके स्क्वायर कर देंगे। तो सबसे पहले वन का स्क्वायर करेंगे प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, क्योंकि इसमें रो कॉलम की संख्या तीन ही है। तो इनका स्क्वायर कर दिया, तो वन प्लस फोर प्लस नाइन, तो आंसर हो जाएगा चौदह। इसी प्रकार हम लोग अगला फिगर देख लेते हैं। तो इसमें रो कॉलम की संख्या को कैसे काउंट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे। एक दो तीन चार, ये देखिए कॉलम की संख्या बराबर चार है, फिर आप रो की हम लोग संख्या कर लेते हैं। एक दो तीन चार, तो ये m इंटू एम के फॉर्म में, मतलब रो कॉलम की संख्या बराबर है, तो हम लोग इनका स्क्वायर कर देंगे। जितने भी रो या कॉलम है उनका सबका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो एक का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन प्लस फोर प्लस नाइन प्लस सोलह। तो इसको सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, थर्टी। अब स्क्वायर काउंट करने के लिए दूसरा केस आ जाता है, जब रो कॉलम की संख्या असमान हो, मतलब m इंटू एन की फॉर्म में हो। तो देखिए ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हम लोग रो की पहले सबसे पहले संख्या लिखते हैं, नंबरिंग दे देते हैं एक दो तीन। अब कॉलम को नंबरिंग देते हैं तो एक दो, तो ये असमान हो गया। इसके लिए दोस्तों हम लोग रो कॉलम की संख्या का तब तक गुणा करेंगे जब तक जीरो नहीं आ जाता है। रो कॉलम की संख्या का गुणा करके ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, लास्ट वाले डिजिट उठाएंगे दोनों की, थ्री इंटू टू हो जाएगा प्लस, मैंने कहा था जोड़ देंगे प्लस, फिर टू इंटू वन, ओके, फिर प्लस वन इंटू वन के बाद क्या आता है जीरो, वन इंटू जीरो लास्ट में आ गया जीरो, तो सिक्स प्लस टू आंसर हो जाएगा आठ। इसी प्रकार हमारा अगला फिगर दिया हुआ है, तो इसमें हमें नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या बतानी है। तो इसमें दोस्तों ये असमान है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या असमान है। तो सबसे पहले हम लोग रो को नंबरिंग देंगे एक दो तीन चार पाँच। अब कॉलम को नंबरिंग देंगे एक दो तीन, तो ये m इंटू n की घात के रूप में है। तो सबसे पहले हम लोग रो और कॉलम की संख्या का तब तक गुणा करेंगे जब तक जीरो नहीं आ जाता। तो सबसे पहले लास्ट वाला डिजिट उठाएंगे दोनों में से, तो फाइव इंटू थ्री, अब प्लस ऐड कर देंगे प्लस, फिर इसके आगे वाला डिजिट चार इंटू टू प्लस थ्री इंटू वन प्लस हो जाएगा, फिर टू इंटू एक के बाद क्या आता है जीरो, फिर प्लस वन इंटू जीरो, ओके, तो ये हो जाएगा पंद्रह प्लस आठ प्लस थ्री, तो आंसर हमारा हो जाएगा 26। अब अगला केस आ जाता है जो कि होता है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल को हम लोग कैसे काउंट करते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, केवल सिंपल सा फंडा है। एक जैसे कि एक फिगर दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हम लोग रो और कॉलम को उसी प्रकार नंबरिंग दे देंगे। तो एक दो, ये एक दो, तो इसमें अगर बराबर हो या असमान हो, इसमें एक ही केवल ट्रिक लगती है, उसी से आप काउंट कर सकते हैं रेक्टेंगल। तो इसमें हम लोग सबसे पहले रो वाला जो रो है इनको जोड़ देंगे, वन प्लस टू कर देंगे इनटू, फिर कॉलम को उठाएंगे वन प्लस टू इसको जोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थ्री इंटू थ्री
तो रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे, 9। इसी प्रकार एक और फिगर दिया हुआ है, तो इसमें रो को हम लोग नंबरिंग देंगे 1 2 3, फिर ये कॉलम को देंगे 1 2 3। तो सबसे पहले हम लोग रो को उठाएंगे, इनको सबको ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3। अब इनका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉलम को उठाएंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 6 × 6 आंसर हो जाएगा 36। इसी में अगला केस आ जाता है कि जब m इंटू m के रूप में हो, तो इसमें वही ट्रिक लगेगी जो मैंने ऊपर जो अभी बताई थी, यही वाली। तो इसमें सबसे पहले रो को हम लोग काउंट कर सॉरी नंबरिंग दे देंगे 1 2 3, फिर इसमें दे देंगे 1 2। तो सबसे पहले हम लोग मैंने क्या कहा था, ऊपर रो को उठाएंगे, इनको ऐड कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉलम को उठा लेंगे, इनको ऐड कर देंगे 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6 × 3, आंसर हो जाएगा 18। यही हमारा आंसर हो गया। जैसे कि हमारा एक और फिगर है एन इंटू एम के रूप वाला, तो इसमें सबसे पहले हम लोग नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4, फिर कॉलम को नंबरिंग देंगे 1 2 3। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला उठाएंगे रो को, रो के जितने भी हैं इन सबको ऐड कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कॉलम को उठाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 × 6, आंसर हो जाएगा 60। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपना जो कमेंट है वो अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि मैं अगले पार्ट में इससे बेहतर क्वेश्चन को और बता सकूँ।